हेलो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा फिल्म का जो हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम ये जो वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ इसी के साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे उसका एक एक्सप्लेनेशन देने वाले इस फिल्म के आने वाले जो दो पार्ट्स है वो इस फिल्म की कहानी से कैसे कंटिन्यू होंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे इस फिल्म में जो अस्त्र वर्ष दिखाया हुआ है अलग अलग जो अस्त्र दिखाए हुए हैं तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे साथ ही में इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं इसी के साथ फिल्म के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक सर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिलाके बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दला ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मारजी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे हैं उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरु सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए वी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पेट्रिक ड्रॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए, है एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलैन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोस थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जौहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहाँ पर बताया गया था कि अयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कन्फर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डिरेक्टर ने कन्फर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवस करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म के हमें अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंदन से जहाँ पे आठ जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवम्बर दो में जहाँ पे 29 मार्च 2022 तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में ऐसे राजा मूल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर ए मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पे रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कर सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज वालों ने काफी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पे आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पे दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जोनिता गांधी है तीसरा गाना है डांस का वो जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए तो वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेवा देवा वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहाँ पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फ़िल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई नहीं में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोच्चि केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स में रिलीज़ किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो हज़ार बाईस को एक सौ सड़सठ मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू एस सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पहुंच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जिसको करीबन आई पे सत्तर वोट मिले हुए उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आई पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफ़ी हेवी बता रहे जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीबन 35 करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फ़िल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से हंड्रेड करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो हंड्रेड करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज़ में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर लिया जिसकी बदौलत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ दी हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म में तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिजल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में यह फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी रिल फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज़ के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ दी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉट यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओटीटी पे डिज्नी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट पे आपको थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद सात आठ महीने के बाद देखने को मिलेंगे पे पे हिंदी वर्जन शायद स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड और Star Gold HD के ऊपर प्रीमियर करवाया जा सकता है वहां पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन में अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी चीजों के ऊपर कब तक कैसी क्लेरिफिकेशन मिलती है फिलहाल में फिल्म थिएटर में बढ़िया चल रही है अब देखने वाली बात है कि इस फिल्म इस फिल्म का रन कितना लंबा रहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म के आने वाले पार्ट्स कितने समय में आते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाता है, मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय... डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दला ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर जी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन पाँच करोड़ है और इस फिल्म को करीबन चार करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरुफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेम्बर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का है? रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पैट्रिक डुरॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुई है एडिटिंग किए हुए, हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलेन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल मैं आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट से वो टी सीरीज के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जौहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि अयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डिरेक्टर ने कन्फर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस्ट थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म के अम्यपीरियंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में राजा मौल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रेसूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कर सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पर आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगरा जो गांधी है अरिजीत का वो जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहां जाके आप एंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोचि केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो हज़ार बाईस को एक सौ सड़सठ मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू एस सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पास पहुँच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जिसको करीबन आईएमडीबी पे सत्तर हजार वोट मिले हुए उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफ़ी हेवी बता रहे जहां पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंस में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मार्स होडियन की तरफ से डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म को इस में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दिन सौ करोड़, तो करोड़ के का ग्रोस कर कर लिया जिसकी बदौलत अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन फिल्म में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म है तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिजल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज़ ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में ये फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी री फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज़ के लिए तो ये फ़िल्म आने वाले समय में आपको ओ टी टी पर शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ दी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओटीटी पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एक चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट पे आपको theatrical release के थोड़े लंबे समय के बाद सात आठ महीने के बाद देखने को मिलेंगे जहां पे हिंदी वर्जन है, Star Gold और Star Gold HD के इन सभी चीजों के ऊपर कब तक कैसी क्लेरिफिकेशन मिलती है फिलहाल में फिल्म थिएटर में बढ़िया चल रही है अब देखने वाली बात है कि इस फिल्म, इस फिल्म का रन कितना लंबा रहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म के आने वाले पार्ट्स कितने समय में आते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन 10-12 साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मारजी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म में उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरभ गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पैट्रिक डूरॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी किए हुई है एडिटिंग किए हुए, हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलेन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेजेस में जिसके राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जोहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि अयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़ी स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहां पे करीबन 10 साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म कैम्यू अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वस क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेपअप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में से राजा मौल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीज़ें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेचवर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पे आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह ये, वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पे दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जो निता गांधी है तीसरा गाना है डांस का वो जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए तो वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोची केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मेक्स थ्री में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइटेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पास पहुँच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जिसको करीबन आईएमडीबी पे सत्तर हजार वोट मिले हुए उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफ़ी हेवी बता रहे जहां पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास

तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिज़ल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोस तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में ये फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ टी टी देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गेप दिया जाएगा ओ रिलीज़ के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी टी पर शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जनस में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पर इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु तेलगुकनडा मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मारजी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफ़ी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेम्बर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए वी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पेट्रिक ड्रॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलैन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोस थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स टॉप तो माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जौहर और अयान मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि अयान मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कन्फर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहां पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म में कैम्यपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीजों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंदन से जहां पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में से राजा मोल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहां पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पर आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जोता गांधी है तीसरा गाना है डांस का बहुत जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु, कनाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहां जाके आप एंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेवा देवा, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फ़िल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोची केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मैक्स थ्री डी फोर डी एक्स में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो हज़ार बाईस को एक सौ सड़सठ मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पास पहुँच गए तो इस तरह से डे दे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स मिला था जिसको करीबन आईएमडीबी पे सत्तर हज़ार वोट मिले हुए उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफी हेवी बता रहे जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज़ में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर लिया जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म में तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिजल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोस तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज़ ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में यह फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी रिल फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ दी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले ख़रीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल सकती है वहीं पर इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु काना मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्र वर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग, डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर जी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरभ गुज्जर गुरु सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए वी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पेट्रिक ड्रॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलेन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोस थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड टॉप माउंट मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जौहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि आयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कन्फर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पे तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डिरेक्टर ने कन्फर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस्ट थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म के हमें अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हजार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पर उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में से राजा मोल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीज़ें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज़ किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पर आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जोनिता गांधी है तीसरा गाना है डांस का वो जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहाँ पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फ़िल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोचि केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मेक्स एक्स में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हज़ार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पास पहुँच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स मिला था जिसको करीबन पे वोट मिले हुए। उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आई एम डी बी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफी हेवी बता रहे हैं जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीब पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास्ट

तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिज़ल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज़ ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में ये फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी री फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज़ के लिए तो ये फ़िल्म आने वाले समय में आपको ओ टी शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ दी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओटीटी पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एक चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु तेलुगुनाडा मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाता है, मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयान मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दला ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयान मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर अमार जी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का है? रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा लखा और पैट्रिक डॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलैन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जोहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि आयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़ी स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिविल की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डिरेक्टर ने कन्फर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म में कम्यपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहाँ पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में राजा मोल के जो पिता है के प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कर सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहां पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पर आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंह, अरिजीत गांधी तीसरा गाना है डांस का बहुत जिसके लिरिक्स अमिता भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोची केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मेक्स थ्री में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पहुँच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जिसको करीबन आई एम पे सत्तर हजार वोट मिले हुए उसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आई पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफ़ी हेवी बता रहे जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीब 35 करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फ़िल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज़ में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर लिया जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म है तो अब यह फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिज़ल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज़ ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में ये फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉट यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एक चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स तो है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकते हैं तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु तेलुगुनाडा मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन 10-12 साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मार जी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म में उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का है? रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए वी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नाव लखा और पेट्रिक डॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलेन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मेसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जोहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि अयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़ी स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहां पे करीबन 10 साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पाएटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस्ट थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म में हम अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीजों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में राजा मोल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पर आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अभिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जो गांधी है तीसरा गाना है डांस का वो जिसके लिरिक्स अमिता भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवा देवा वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोची केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मैक्स थ्री में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हज़ार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हज़ार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पहुंच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जिसको करीबन आईएमडीबी पे सत्तर हजार वोट मिले हुए उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफ़ी हेवी बता रहे जहां पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज़ में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म है तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिजल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोस तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में यह फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ पे शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल सकती है वहीं पर इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु तेलगुखाना मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज़ होने तक उसमें करीबन 10-12 साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाइ डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मारजी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनित शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरभ गुज्जर गुरुफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पेट्रिक डूरॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलैन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट से वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो प्रमास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जौहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि आयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कन्फर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने कन्फर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म के हम अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंदन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में से सराजा मोल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीज़ें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेचवर्क के तौर पे रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पे आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह ये वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पे दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जो अनिता गांधी है तीसरा गाना है डांस का वो जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए तो वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहाँ पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोचि केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मैक्स में रिलीज़ किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हज़ार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हज़ार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हज़ार के आसपास पहुँच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स मिला था जिसको करीबन पे वोट मिले हुए। उसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नजारा दिखा रहे वो काफी हेवी बता रहे जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीब पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज़ में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया जिसकी बदौलत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ द हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म है तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिजल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में यह फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी रिल फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी शायद डिजनी प्लस हॉट के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु काना मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्र वर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर जी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो ये इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पैट्रिक डॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलेन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने हैं तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट्स है वो टी सीरीज के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जोहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पर बताया गया था कि अयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहाँ पे करीबन दस साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रोमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डिरेक्टर ने कन्फर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस्ट थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म के हम अपीरियंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे आठ जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में शेष राजल्ल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीज़ें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पे रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे खरीदे हुए जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पे आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पे दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जो निता गांधी है तीसरा गाना है डांस का बोझ जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए तो वहाँ जाके आप इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई ई में इसके अलावा बेंगलोर आ कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोचि केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मेक्स थ्री डी फोर डी एक्स में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो हज़ार बाईस को एक सौ सड़सठ मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हज़ार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पास पहुँच गए तो इस तरह से डे दे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स मिला था जिसको करीबन पे वोट मिले हुए। उसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आई पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नजारा दिखा रहे हैं वो काफी हेवी बता रहे जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फ़िल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज़ में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर लिया जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ दी हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म है तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिज़ल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज़ ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में ये फिल्म अपना रन कम्प्लीट कर देगी उसके बाद ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी री फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज़ के लिए तो ये फ़िल्म आने वाले समय में आपको ओ टी टी पर शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ दी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते हैं तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओटीटी पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल वि सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु काना मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट पे आपको थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद सात आठ महीने के बाद देखने को मिलेंगे जहां पे हिंदी वर्जन स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड और Star Gold HD के ऊपर प्रीमियर करवाया जा सकता है वहां पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन में अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी चीजों के ऊपर कब तक कैसी क्लेरिफिकेशन मिलती है फिलहाल में फिल्म थिएटर में बढ़िया चल रही है अब देखने वाली बात है कि इस फिल्म इस फिल्म का रन कितना लंबा रहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म के आने वाले पार्ट्स कितने समय में आते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाते मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मारजी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफ़ी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म में उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनिस सेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेम्बर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा लखा और पैट्रिक डुरॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलेन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेजेस में जिसके राइट्स है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन मिली हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स वर्ड माउथ मिला था उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जोहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहां पे बताया गया था कि आयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़ी स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहां पे करीबन 10 साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म में हम अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंडन से जहाँ पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहाँ पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवम्बर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कम्प्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में राजा मौल के जो पिता है के के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रेसूट की जहां पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कट सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए जहां पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पर आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह जोनी गांधी है तीसरा गाना है डांस का वो जिसके लिरिक्स अमिता भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोची केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मैक्स एक्स में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पहुँच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जिसको करीबन आईएमडीबी पे सत्तर हजार वोट मिले हुए उसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नज़ारा दिखा रहे वो काफ़ी हेवी बता रहे जहां पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को ओवरसीज में पहले दिन करीबन सत्रह करोड़ की ओपनिंग लगी थी दूसरे दिन इक्कीस करोड़ तीसरे दिन और फिल्म की कलेक्शन बढ़े तो इस तरह से इस फिल्म ने तीन दिनों में आसानी से दो करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर, कर लिया जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाका मचाने में कामयाब रही रणबीर कपूर के करियर के वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक फिल्म होने जा रही है और एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर के करियर की अच्छी खासी ओपनिंग ली है ऐसी फिल्मों में से एक फिल्म है तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिज़ल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोस तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में ये फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी टी शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस हॉट यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर वी इंग्लिश सब टाइटल वी सब्सक्रिप्सन देखने को मिल सकती है वहीं पे इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु तेलगुकनडा मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ये ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है इसके बाद दो और पार्ट है और उसी के साथ मिलाता है, मिला के बनता है अस्त्रवर्ष तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है इस फिल्म के पीछे करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर ने 10-12 साल लगाए हुए जहाँ पे उन्होंने स्टोरी आइडिया से लेकर फिल्म की शूटिंग मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग सभी चीज़ों में जो पोर्शन में काम किया गया रिलीज होने तक उसमें करीबन दस बारह साल का समय लगा हुआ है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ अयन मुखर्जी ने उनके ही डाय, डायलॉग्स की बात करें तो हुसैन दलाल ने लिखे हुए थे बाकी स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें अयन मुखर्जी ने ही की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो करण जौहर अपूर्वा मेहता नमित मल्होत्रा रणबीर कपूर मारजी के डिसूजा अयन मुखर्जी तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शन प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट काफ़ी मेसी हुए ये फिल्म मानो तो प्रभास की जो आदि पुरुष आ रहे उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली फिल्म में उसका बजट करीबन 500 करोड़ है और इस फिल्म को करीबन 410 करोड़ में बनाया हुआ है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने मेसिव सेट के साथ कितने मेसिव लेवल के ऊपर एक अलग स्केल के ऊपर इस फिल्म को क्रिएट किया हुआ है फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे गुरु के रोल में जो ब्रह्मास्त्र के लीडर है वहीं पर रणबीर कपूर ने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डीजे का रोल प्ले करे लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि अग्नि की पावर है उसके पास जो एक फायर एलिमेंट है वो एक अस्त्र का एक वन ऑफ दी अस्त्र है अस्त्र है, तो वो खुद एक अग्नि अस्त्र है वहीं पे आलिया भट्ट ईशा का रोल प्ले कर रही है जो शिवा का लव इंटरेस्ट है वहीं पे मोनी रॉय ने जुनून का रोल प्ले किया हुआ है जो क्वीन है डार्कनेस की नागार्जुन आपको इस फिल्म में अनित शेट्टी के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक आर्टिस्ट है साथ ही में ब्रह्मास्त्र के मेंबर है जिन्होंने नंदी अस्त्र वाला किरदार प्ले किया हुआ है इनके अलावा डिम्पल कपाड़िया सौरव गुज्जर गुरफते सिंह जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है जो एक साइंटिस्ट है और ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी है जिन्होंने वानर अस्त्र का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी दिखाए गए जिनका फेस हमें रिवील नहीं किया हुआ है लेकिन ज्यादातर ऑडियंस को पता चल गया है कि उसमें कौन सा एक्टर शायद काम कर रहा है वो आने वाले सीजन यानी कि सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे कि वो एक्टर किस तरह से अपना का रोल डिलीवर करते हुए नजर आते कौन सा रोल कैसे प्ले करते अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए भी मणिकंदन ने पंकज कुमार संदीप चटर्जी विकास नावलखा और पेट्रिक डूरॉक्स ने इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग किए हुए प्रकाश कुरूप ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे सेतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सिमोन फ्रेंगलैन ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म में फिलहाल में आपको यूट्यूब पे जो फिल्म के गाने तीन गाने सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में जिसके राइट है वो टी सीरीज़ के पास है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इंडिया में स्टार स्टूडियो ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी काफ़ी ज्यादा शोज थे पहले दिन के और एक बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई है तो ये फिल्म काफ़ी मैसिव स्केल के साथ बनी थी उतनी मैसिव लेवल के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को जो एक मिक्स तो माउथ मिला था उसके उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर दे तो ब्रह्मास्त्र फिल्म को ऑफिशियली जुलाई 2017 को इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि करण जोहर और आयन मुखर्जी के द्वारा अनाउंस की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि अयन मुखर्जी इस फिल्म को लिखने वाले और वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तब बताया गया कि इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री आपको क्रिएट करके दिखाई जाएगी तब एक रूमर आई हुई थी कि इस फिल्म का पहले टाइटल ड्रैगन होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली कन्फर्म किया गया कि इस फिल्म का टाइटल ब्रह्मास्त्र होने वाला है और अयन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में आपको अलग अलग एनर्जीज पावर्स के रिगार्डिंग हम आपको अलग अलग अस्त्र के बारे में बताने वाले जो इंडियन माइथोलॉजी है कि इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड है इसके अलावा उन्होंने रिवील किया हुआ था कि इसमें इन सभी एलिमेंट के साथ थोड़ी लव स्टोरी का एंगल भी देखने को मिलेगा जो इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा जहाँ पे इस फिल्म को हम काफ़ी बड़े स्केल के साथ बना रहे फिल्म की कहानी काफ़ी बड़ी है जिसके बदौलत इस फिल्म को हम तीन पार्ट में लाने वाले और ये सभी चीज़ें रिवील की गई थी दो जनवरी में जहाँ पर तब इस फिल्म के प्रिपरेशन भी स्टार्ट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह से कहानी को बनाया हुआ है उसकी शूटिंग के पीछे काफ़ी लंबा समय लगा जहां पे करीबन 10 साल का टाइम लगा हुआ था बीच में रूमर्स भी आई थी कि ये रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है लेकिन बाद में इस फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि इस फिल्म में ज़रूर आपको रोमांस देखने को मिलेगा लेकिन वो मेन पार्ट नहीं है इसके अलावा इस फिल्म में अस्त्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर डिटेलिंग में बात की जाएगी नागार्जुन अक्की ने आपको इस फिल्म में एक पायोटल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे फिल्म के मेन एंटागोनिस का जो रोल है वो मोनी रॉय को दिया गया था और इस पार्ट के लिए वो ओनली मेन एंटागोनिस थी इसके अलावा जून 2022 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी फ्रेंचाइज फिल्म है जहाँ पे फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट है एक अस्त्रवश करके जो यूनिवर्स हमने बनाया हुआ है सिनेमेटिक यूनिवर्स उसका ये पहला पार्ट है आने वाले समय में आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बाद अगस्त 2022 में कंफर्म किया गया था कि शाहरुख खान इस फिल्म में कैम्यू अपीरेंस में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह से इस फिल्म के ऊपर डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की थीम है जहाँ पे अलग अलग अस्त्र को लेकर जो एक अस्त्र वश क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में ब्रह्म शक्ति का एक अस्त्र दिखाया हुआ है जिसमें से जल पवन अग्नि ऐसे अलग अलग अस्त्र है वानर अस्त्र तो इन सभी चीजों को मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है ये फिल्म की थीम है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी ऑफ फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी फिल्म का पहला शेड्यूल है वो 24 फरवरी 2018 को रखा गया था पहले शेड्यूल को बल्गेरिया में रेप अप किया था 24 मार्च 2018 को सेकंड शेड्यूल है उसको कंटिन्यू किया था लंदन से जहां पे 8 जुलाई 2018 से वो शेड्यूल स्टार्ट किया गया था बाद में न्यूयॉर्क में शेड्यूल को जुलाई में ले जाया गया और फिर से बल्गेरिया में फिल्म को शूटिंग किया गया था जुलाई मंथ में एंड में इसके बाद में फिल्म की शूटिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक फरवरी 2019 से फिल्म को शूट किया गया था जहां पे करीबन फिल्म का थोड़ा एक पंद्रह बीस दिनों का शेड्यूल चला था उसके बाद में इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल रामनगर फोर्ट और चेत सिंह फोर्ट में रखा गया था जो वाराणसी में वाराणसी में जिसको तीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को स्टार्ट किया गया था कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था नवंबर दो में जहाँ पे उनतीस मार्च दो तक इस फिल्म को सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वाराणसी में कंप्लीट करवाया हुआ था उसके बाद में राजा मोल के जो पिता है के विजेंद्र प्रसाद उनको इस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई थी उनसे थोड़े सजेशन लिए गए थे डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने उनसे सजेशन लिए थे उसके बाद में इस फिल्म की कहानी में उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिल्म की कहानी फिर से रीशूट की जहाँ पे चार दिनों की शूटिंग बाद में पेच वर्क के तौर पर रखी गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से शूटिंग में कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग एडिटिंग फाइनल कर सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन्स में गाने सुनने को मिलेंगे जिसको कंपोज किया हुआ है नन अदर देन प्रीतम ने और इसके राइट्स और टी सीरीज़ वालों ने काफ़ी बड़ी रकम दे के ख़रीदे हुए जहां पे हिंदी ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल में तीन गाने यूट्यूब पे आउट हुए वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे केसरिया गाना है वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है सिंगर अरिजीत सिंह है वो गाना भी सुनने को मिल जाएगा वहीं पर दूसरा गाना है देवा देवा जिसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह नीता गांधी है तीसरा गाना है डांस का बहुत जिसके लिरिक्स अमिता भट्टाचार्य ने ही लिखे हुए सिंगर अरिजीत सिंह है तो इस तरह से तीन गाने अभी यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किए हुए हैं तो वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे जो इस फिल्म के दो गाने जैसे कि केसरिया और देवादेव वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और फिल्म की कहानी के साथ भी वो गाने बढ़िया तरीके से वर्क करते इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में काफ़ी मेहनत की गई थी जहां पे इस फिल्म के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद में करीबन दो हज़ार से स्टार्ट करवा दी गई थी और बाद में तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए फ़िल्म को बनाया गया था रिलीज़ करने का फैसला लिया जिस वजह से इस फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई में इसके अलावा बेंगलोर कर्नाटक में इस फिल्म को प्रमोट किया गया था कोची केरला में प्रमोट किया गया था इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रमोशन करते हुए फिल्म को एक अच्छा खासा हाइप दिया गया था उसके बाद में फाइनली फिल्म को थ्री डी आई मैक्स थ्री में रिलीज किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म को नौ सेप्टेम्बर दो को एक मिनट के रन के टाइम के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट के लेते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी करीबन इस फिल्म को पहले दिन आठ से नौ हजार स्क्रीन्स मिली हुई थी वहीं पे ये ऐसी पहली फिल्म थी जो इंडिया की वाइडेस्ट रिलीज थी उसके बाद फिल्म में और भी स्क्रीन्स बढ़ी पहले दिन करीबन तेरह साढ़े तेरह हजार शो थे दूसरे दिन वो करीबन साढ़े चौदह हजार के आसपास पहुंच गए तो इस तरह से डे बाई डे शो बढ़ते रहे और मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही थी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स मिला था जिसको आईएमडीबी पे वोट मिले हुए। उसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो आईएमडीबी पे एक एवरेज रेटिंग हासिल हुई है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अलग ही नजारा दिखा रहे वो काफी हेवी बता रहे जहाँ पे पहले दिन फिल्म ने करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से करीबन 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया से और भी बेहतरीन कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा जंप लिया था तो तीन दिनों में फिल्म ने बढ़िया तरीके से इंडिया से 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया हुआ है तो 100 करोड़ का जो क्लब है वो इंडिया इंडिया में तीन दिनों में हासिल किया हुआ था वैसे ओवरसीज में दो दिनों में हासिल किया मतलब में सभी कलेक्शन मिला के नेशनल चेंज में जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला मास्ट थोड़े

तो अब ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी वो डिपेंड करेगा फिल्म के मंडे के रिजल्ट के ऊपर वैसे मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है लेकिन सोस तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है किसी को नहीं भी पसंद आ रही है लेकिन कलेक्शन आ रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी ऑडियंस मंडे को आती है या नहीं अगर मंडे को सेम टाइप का कम ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिला तो ज़रूर ये फिल्म बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीबन छः सौ सौ करोड़ का रोज कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट है वो लोगों को और कितना टिक खींच के रख पाता है अदरवाइज ये फिल्म बाद में मंडे से थोड़ी अगर ज़्यादा डल हुई तो थोड़े दिनों में यह फिल्म अपना रन कंप्लीट कर देगी उसके बाद ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अब बात करें इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट के रिलीज़ के ऊपर तो फिलहाल में तो दो तीन महीनों तक तो आपको ये फिल्म ओ पे देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद ही रिलीज़ करवाई जाएगी इतनी बड़ी रिल फिल्म बनाई हुई है तो उसको एक लंबा गैप दिया जाएगा ओ रिलीज के लिए तो ये फिल्म आने वाले समय में आपको ओ टी शायद डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल सकती है सभी वर्जन में क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वन ऑफ दी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर स्टार स्टूडियो भी है तो वो शायद ये राइट्स अपने पास ही रख सकते हैं ये कंफर्म नहीं है शायद नेटफ्लिक्स के साथ टाइप भी हो सकता है या नेटफ्लिक्स वाले खरीद भी सकते तो इस तरह से राइट्स किसी के पास भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिजनी प्लस होटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के थोड़े महीनों के बाद ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देखने को मिलेगी उसके बाद स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में इस सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ये फिल्म शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टार नेटवर्क के पास ही इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्शन के राइट्स है तो शायद ओ टी टी और सैटेलाइट राइट्स उनके पास हो सकती है तो ऐसा होता है तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के तीन एक महीने के बाद डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल सकती है वहीं पर इस फिल्म का जो दूसरे वर्जन से हिंदी तमिल तेलुगु तेलगुखाना मलयालम वर्जन वो भी सैटेलाइट पे आपको थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद सात आठ महीने के बाद देखने को मिलेंगे क्लेरिफिकेशन मिलती है फिलहाल में फिल्म थिएटर में बढ़िया चल रही है अब देखने वाली बात है कि इस फिल्म का रन कितना लंबा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म के आने वाले पार्ट्स कितने समय में आते हैं तो बस गैस इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसका एनालिसिस किया हुआ है स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू